आइंदा वहाँ मुदत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। मौजूदा हुकूमत संभाली तो चैलेंजेस का सामना था। IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम हुआ तो पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। साबिक हुकूमत ने एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल 4 सालों के दौरान सामने आए। PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं, इसराइल से बयान भी सामने आ गया है। मुल्क के खिलाफ साजिशों को दफन कर दिया गया, अवाम ने इलेक्शन में हकायक पर मबनी फैसला करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनान को नफरत की तालीम और शरपसंदी की तरबियत दी। PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदार ने लोगों को बेरोजगार किया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन उरूज पर थी। साबिक हुकूमत के 4 साल में आवाम के लिए कोई तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया गया। आवाम आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई फिर से लटक गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए कैंप जेल में नज़रबंद किया। नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में थाना कला गुजर सिंह में 2 मुकदमात और गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे का जिक्र है। मैं चाहता था चेयरमैन PTI की सियासत बच जाए। लोगों के ब्रेन वॉश करके 9 मई के वाकयात करवाए गए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले 9 मई को जो कुछ हुआ चेयरमैन PTI की हिदायत पर हुआ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को जेल जाते और फांसी चढ़ते हुए देखा है। फैसल वावडा ने मजीद कहा वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में बिल्कुल शामिल नहीं हो रहे। IMF के मुतालबे पर टैक्सों की भरमार, जायदाद खरीदना दुश्वार। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मजमू तौर पर 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नॉन फाइलर और फरोख्त कुनिंदा को सबसे ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। 1 जुलाई से मकान प्लॉट या फ्लैट की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ा दिए गए। नॉन फाइलर मकान प्लॉट खरीदेगा तो 7% के बजाय 10.5% टैक्स अदा करेगा। जायदाद फरोख्त करने वाले को 4 के बजाय 6% टैक्स अदा करना होगा। टैक्सेस में प्रॉपर्टी कदर की 1% स्टैम्प ड्यूटी और 1% टाउन टैक्स भी शामिल। IMF ने भी प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स का प्लान मांग रखा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की तरसीलात जर और बरामदात कम होने पर तनकीद। मौजूदा हुकूमत को एक अफसोसनाक मजाक करार दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने IMF और दीगर ज़राए से जो हासिल किया उससे कहीं ज़्यादा खोया। मजीद कहा हुकूमत ने बिजली के पीक आवर्स में अब 2 घंटे का इजाफा कर दिया। पीक आवर्स को शाम 6 से 10 की जगह 5 से 11 बजे तक कर दिया। 3 फेज मीटर वाले सार्फीन पीक आवर्स में 50 रुपये फी यूनिट अदा करेंगे। पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो बसीयत वजीर आजम जो रोल निभाया है वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता। और इस पिछले 14-15 महीने के अंदर यहाँ शहबाज की शरीफ की क्यादत में कुलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। शहबाज शरीफ ने जो किरदार निभाया वो पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं निभा सका। इत्तेहादी हुकूमत ने 13 माह में कोफ हमालिया से बड़े मसाइल को हल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद आसिफ का सियालकोट की यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। GC यूनिवर्सिटी में यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत 1250 स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स तकसीम किए। सेनेट के इलेक्शन में 1 वोट 75 करोड़ रुपए में बिका। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। बोले सिंध हुकूमत को 300 अरब क्राइम के जरिए और 300 अरब करप्शन के जरिए मिलता है। PPKP के पास अख्तियारात जरूर हैं लेकिन शहर का मैंडेट नहीं है। MQM भी पैसे वालों की सियासत के रंग में रंग जाती तो कोई बुरा वक्त नहीं आता। हुक्मरानों और अवाम के मुफादात मुश्तरका नहीं मुतसादिम हैं। सिंध के हालात से मुतमईन नहीं परेशान हैं।
वफाकी वज़ीरे सेहत अब्दुलकादिर पटेल की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को मुल्क में तबाही के लिए मुसल्लत किया गया। वो पहला वज़ीरे आज़म था जिसे आईनी तरीके से निकाला गया। जानते थे वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है, मजीद रहता तो पाकिस्तान का मजीद नुकसान करता। मुल्क की तारीख में कभी फौजी तनसीबात पर हमले नहीं किए गए। इसराइल चीख रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। डीएचक्यू अस्पताल कसूर से बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल मुंतकिल, दिल के आरजे में मुब्तला बच्ची से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का दिल के दो बंद वालों के कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्ची की सेहत याबी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला ने डीएचक्यू अस्पताल नानकाना से चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल बच्ची से भी मुलाकात की। चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज दीगर बच्चों को भी अयादत की। गिलगित बल्तिस्तान में अहम वजारतों के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में दौड़ धूप। हुक्मरान इत्तेहाद में फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई शामिल। नौ मुंतखब वजीर आला गुलबर खान ताहाल काबीना तश्कील ना दे सके। काबीना की तश्कील में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। डेप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर सादिया दानिश फाइनल। स्पीकर ने डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आज असम्बली इजलास बुला लिया। मरी में तेंदुआ आबादी के करीब आ गया, मुकामी लोगों में खौफ व हरास। तेंदुए को आबादी के करीब देखकर लोग वीडियो बनाते रहे। मरी चारहान के इलाके में तेंदुए ने गुज़श्ता रात जानवरों के बाड़े पर भी हमला किया जिससे तीन बकरियां हलाक हो गईं। कराची की रौनक ने जर्मन सियाह खातून का दिल जीत लिया। कहती हैं कराची शहर की तारीखी इमारतें बहुत पसंद आई। ये शहर पुराने और नए के दौर का बेहतरीन इम्तिजाज है। हर जगह खाना और लोग हैं। कराची के आलू पराठा, हलवा पूरी और चाय बेहतरीन है। साइकिल पर 18 ममालिक का दौरा करने वाली सियाह खातून कराची से लाहौर के लिए रवाना। जर्मन खातून सियाह की पाकिस्तान के बाद अगली मंजिल नेपाल होगी। शाहीन आफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त वापसी, तीन विकेट्स लेकर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर का सफाया किया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह ने टेस्ट मैचेस में विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। नसीम शाह, इब्राहिम अहमद, आगा सुलेमान की एक एक विकेट। गोल टेस्ट के पहले रोज का खेल खत्म, मेज़बान श्रीलंका ने 6 विकेट्स पर 242 रन बनाए। धनंजया डी सिल्वा शानदार 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैथ्यूज 64 और सुदेरा समारा विक्रमा 36 रन बनाकर आउट हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शहराम खालिद और मैं हूँ हदीका उरूज खान। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हैं। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में